वेलकम टू द चैनल हरवी फंटासी से। 1 वीडियो में हम बात करने वाले एनबीए लीग का जो मैच होने वाले मियामी हीट्स वर्सेस चिकागो बुल्स के बीच में। चिकागो बुल्स जो है तो यहाँ पर पॉइंट टेबल पर सेकंड पोजीशन पर है और फोर्थ पोजीशन पर है मियामी हीट्स। रिसेंटली मैचेस की अगर यहाँ से बात करूँ तो चिकागो बुल लास्ट मैच यहाँ पर लॉस होकर आ रही, लेकिन उससे पहले दोनों मैच यहाँ पर इन्होंने विन किए। मियामी हीट्स ने स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट लास्ट मैच विन के साथ आ रही, लेकिन उससे पहले दोनों मैच यहाँ पर लॉस हुए। तो मोमेंटम जो है तो वो चिकागो बुल्स के पास है फिलहाल यहाँ पर रिसेंटली तीनों मैचेस में। और मियामी हीट्स की तरफ से उनके दोनों स्टार प्लेयर खेल नहीं रहे, तो अनप्रेडिक्टेबल गेम मियामी हीट्स की तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी फेवरेबल दोनों भी टीमें, दोनों टीम इक्वली स्ट्रांग है। चिकागो बुल्स के भी तरफ से उनके स्टार जो बेंच प्लेयर है वो फिलहाल यहाँ पर खेल नहीं रहे, और जो बेंच प्लेयर है वो यहाँ पर आपको एज अ स्टार्टिंग लाइनअप में आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोनों लिंक अगर वर्क नहीं करते तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RVFantasy7, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। बात करेंगे चिकागो बुल्स की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर लोंजो बॉल स्टार्ट करते हुए देखेंगे। पॉइंट गार्ड से शूटिंग गार्ड से जेएस लेविन स्टार्ट करेंगे। ऑफेंसिव चार्ज हैंडलर है। आज का जो मैच यहाँ पर जॉन्स यहाँ पर खेलने रहे, कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ आ रही है, तो उनकी जगह पर आपको एज अ यहाँ पर प्रोबेबल स्टार्ट यहाँ पर जॉन्स करते हुए दिखेंगे, या फिर इनके पास अदर जो ऑप्शन है ब्राउन, इनको भी यहाँ पर एज अ स्टार्टिंग लाइनअप में लेकर आ सकती है। बाकी सेंटर से वैजनिक के यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ये इनके यहाँ पर रेगुलर स्टार्टर है। और रिसेंटली मैचेस में आपको दसुमान एज अ स्टार्टर करते हुए दिख रहे थे पॉइंट गार्ड से, लेकिन आज का मैच यहाँ पर प्रोबेबली करुसो खेलने वाले, तो मुझे लगता है मोस्टली यहाँ पर ये करुसो खेलेंगे आज का मैच, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जॉन्स बाहर है। अगर करुसो नहीं खेलेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पर ये वीक टीम बन जाएंगी, लेकिन यहाँ पर गेम टाइम डिसीजन है। फिलहाल 99% मुझे लगता है कि ये आज का गेम खेलेंगे, और खेलेंगे तो एज अ स्टार्टर खेलेंगे, बेस्ट प्लेयर है। और लास्ट मैच खेले नहीं थे, उससे पहला जो सेकंड मैच रहा था वहाँ इंजर हो गए थे। बाकी ये इस टीम के यहाँ प्रोबेबल फाइव स्टार्टअप है। वैजनिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जेएस लेविन और लोंजो बॉल इंपॉर्टेंट है। ड्यूराजोन आउट होने की वजह से वैजनिक यहाँ पर डिफेंसिवली प्लेयर है, लेकिन यहाँ पर फील्ड गोल से भी शॉट्स अटेम्प्ट कर रहे। रिसेंटली मैचेस में काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस इनके तरफ से आता है जेएस लेविन। इस टीम के यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट थ्री पॉइंटर शूटर है। लोंजो बॉल का भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रिसेंटली मैचेस में रहा है, और वैसे भी यहाँ पर ड्यूराजोन आउट है तो लोंजो बॉल यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले। करुसो अगर खेलते तो एज ए स्टार्टर खेलेंगे, और इस टीम के तरफ से बहुत सारे प्लेयर इंजरी की वजह से बाहर है, तो जितने भी प्लेयर यहाँ पर एज ए स्टार्टर खेलेंगे प्रोबेबली सभी 30+ मिनट खेलते हुए देख सकते हैं। वैजनिक, लोंजो बॉल और यहाँ पर जेएस लेविन जो है, तो ये तीनों प्लेयर कन्फर्म यहाँ पर 32 to 35% 35+ मिनट यहाँ पर खेलेंगे। करुसो अगर ये भी स्टार्टिंग लाइनअप में आपको देखते हैं तो ये भी आपको 30+ मिनट खेलते हुए देखेंगे। बाकी जो लास्ट मैच का परफॉर्मेंस रहा था, लोंजो बॉल एज ए स्टार्टर करते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आया था। 3 स्टील, फील्ड गोल से भी काफ़ी अच्छे शॉट्स इन्होंने अटेम्प्ट किए थे। लेकिन जेएस लेविन इस टीम के यहाँ पर ऑफेंसिव चार्ज हैंडलर है प्राइमरी, 23.4 रिबाउंड 9 असिस्ट। लास्ट मैच में इतना बेस्ट इनका तरफ से आया नहीं था, लेकिन अलग लेवल का प्लेयर है। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हो, 32.3 रिबाउंड 8 असिस्ट और 1 स्टील इनके तरफ से आया था। दसुमान एज अ स्टार्टर करते हुए लास्ट मैच इतना बेटर रहा नहीं था, सेकंड मैच में इन्होंने रिबाउंड और असिस्ट से भी काफ़ी पॉइंट दिए थे। एज अ क्रिएटिव और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ट्राई कर सकते हो। वैजनिक की परफॉर्मेंस की अगर बात करो तो फील्ड गोल से सबसे ज़्यादा शॉट्स फिलहाल यहाँ पर इन्होंने अटेम्प्ट किए थे। और आज का जो गेम है, तो आज के गेम में इनके अपोनेंट का जो यहाँ पर सेंटर है वो बेंच प्लेयर है, तो फिलहाल यहाँ पर वैजनिक इंपॉर्टेंट होने वाले। मे बी आप इनको एज अ PPP कंसिडर कर सकते हो। जॉन्स लास्ट मैच खेले थे, ये आपको प्रोबेबली मिस करते हुए देखेंगे आज का मैच। इनकी जगह पर जॉन्स स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ब्राउन जूनियर, इनके पास अदर एक ऑप्शन है, इन्हें यहाँ पर एज अ स्टार्टिंग लाइनअप में ये लेकर आ सकते। फिलहाल यहाँ पर जो प्रोबेबल है वो है एलिन जॉन्स। अगर यहाँ पर ये नहीं करते स्टार्ट, तो यहाँ पर इनके जगह पर आपको यहाँ पर ब्राउन स्टार्ट करते हुए देखेंगे। ब्राउन वैसे भी बैंक से खेलेंगे, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। मुझे लगता है 30 मिनट यहाँ पर इस प्लेयर को मिल सकते हैं। रिसेंटली मैचेस में काफ़ी बेस्ट टाइम इनको यहाँ पर मिला है। बाकी यहाँ पर करुसो खेलते थे, यहाँ पर दोसुमान खेलेंगे एज अ बेंच प्लेयर, और डोस्टन इनके पास अदर है यहाँ पर गार्ड का बेंच प्लेयर अवेलेबल है। इन्हें भी रिसेंटली मैचेस में अच्छा खासा टाइम मिला है। ब्राउन का परफॉर्मेंस लास्ट मैच में टाइम सबसे बेस्ट मिला है। थ्री पॉइंटर्स अभी यहाँ पर इन्होंने मिस किए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ठीक ठाक ड्रीम इलेवन पॉइंट दिए थे इनके क्रेडिट के हिसाब से। ब्रेडली इनके पास यहाँ पर बैकअप सेंटर का ऑप्शन अवेलेबल है। इनको लास्ट मैच में ठीक ठाक टाइम मिला था, 15 मिनट खेलकर 2.7 रिबाउंड 1 असिस्ट इनके तरफ से आया था। दोस्तों की तरफ से 19 मिनट खेलकर 6 पॉइंट और 1 रिबाउंड इनके तरफ से आया था। लेकिन ब्राउन का इस मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस आया था, 1 स्टील और 2 ब्लॉक के चलते काफ़ी अच्छे ड्रीम इलेवन पॉइंट इन्होंने दे दिए थे। 7 पॉइंट और 4 रिबाउंड भी वैसे इनके तरफ से लास्ट मैच में रहे थे। तो आपके पास इनके तरफ से जो बेंच प्लेयर है, यहाँ पर ब्राउन सबसे बेस्ट यहाँ पर बेंच प्लेयर है, उसके बाद यहाँ पर दुश्मन को आप यहाँ पर प्रेफरेबल कर सकते हो। ये भी बेस्ट बेंच प्लेयर है। अगर आप यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हो
क्या पर ब्रेडले रिबाउंड अच्छे खासे पॉइंट देंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छे पिक हो सकते। थोड़े से अपर लास्ट मैच में 15 मिनट खेल कर आ रहे हैं तो एक अच्छे खासे पिक आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो। लवरी करेंगे यहाँ से स्टार्ट पॉइंट गार्ड से मियामा हिट्स की तरफ से। शूटिंग गार्ड की अगर बात करो तो रॉबिन्सन स्टार्ट करेंगे। स्टूस का लास्ट मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था। पीजे टकर और मार्टिन ने लास्ट मैच में अपर स्टार्ट किया था जो कि अपर जिमी बटलर की जगह पर आपको एज ए स्टार्टर करते हुए दिखेंगे। और सेंटर से एडिबायो खेल नहीं रहे इंजरी के चलते, थोड़े से अपर इन पर ट्रीटमेंट भी चल रहे तो टेडमाउन इनकी जगह पर आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे। ये इस टीम के प्रोबेबल 5 स्टार्टअप हो सकती है। या अगर यहाँ पर ऑन पेपर देखेंगे तो सबसे वीक टीम लग रही है, लेकिन इसी टीम ने लास्ट मैच में 3 पॉइंटर शूट कर एक हेवी अपोनेंट को यहाँ पर हरा कर आ रही है। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इनके तरफ से आया था, खास करके इनके ऑफेंसिव 4 हार्डलर। लवरी के लिए फर्स्ट हाफ जो रहा था साइलेंट रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में इन्होंने भी काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। मे बी आपको यहाँ पर ये यूनिवर्सल पीपीबी देखने को मिलेंगे। 22 पॉइंट 2 रिबाउंड 13 असिस्ट इनके तरफ से आए थे। प्राइमरी ऑफेंसिव 4 हैंडलर का यहाँ पर काम कर रहे हैं अपने टीम के लिए। पीजे टकर के लिए लास्ट मैच काफ़ी बढ़िया रहा था और इन्होंने यहाँ पर योनिस को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिफेंस किया था, तो पीजे टकर का डिफेंस काफ़ी बढ़िया है और लास्ट मैच में वैसे भी सबसे बेस्ट टाइम खेल कर आ रहे थे। मार्टिन एज अ स्टार्टर करते हुए बेस्ट रहा था। फील्ड गोल से इनके काफ़ी ज़्यादा शॉट्स कनेक्ट हो रहे थे और ट्राई भी इन्होंने किए थे। रॉबिनसन के लिए ये मैच कुछ खास नहीं रहा, वैसे भी सभी मैचेस रॉबिनसन के लिए एक एवरेज रहे। डेडमॉन टाइम बहुत कम मिला, रीज़न था क्योंकि यहाँ पर इनके तरफ से बैन से ऑफेंसिव 4 हैंडलर बेस्ट दे रहे थे, चाहे वो ओका पल्ला हो चाहे वो यहाँ पर उस हो। खास कर ओका पल्ला इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा था लास्ट मैच में, तो प्रिफरेबल इनको किया गया था डेडमॉन से भी ऊपर। बाकी यहाँ पर विंसेट का जो परफॉर्मेंस रहा था लास्ट मैच में ये भी काफ़ी बढ़िया रहा था, लेकिन इनके जो सेकंड मैच में यहाँ पर ऑस्ट्रियंस को यहाँ पर एज अ बैंच प्लेयर खिलवाया था बैकअप, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने ऑस्ट्रियंस को बिल्कुल भी चांस नहीं दिया और लास्ट मैच में ओकापल्लो को यहाँ पर एज अ स्टार्टिंग लाइनअप में लेकर आई रही थी। बाकी जो स्टार प्लेयर और इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले, मार्टिन इंपॉर्टेंट होने वाले, पीजे टकर और लाउरी, ये जो तीनों प्लेयर है तो ये तीनों प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और बाकी जो जीएल के लिए पिक है डेडमॉन और उसके साथ साथ यहाँ पर रॉबिनसन, ये दोनों यहाँ पर जीएल के लिए आपके पास काफ़ी बढ़िया जीएल पिक है। बाकी यहाँ पर ये जो तीनों है तो ये तीनों स्मॉल लीग के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पिक है। लास्ट रिसेंटली मैचेस का परफॉर्मेंस बेस्ट, प्लस यहाँ पर ऑफेंसिवली तो लाउरी यहाँ पर खेलेंगे और मार्टिन का भी बेस्ट आया, तो यहाँ पर कोई भी इनको मिस करना चाहेंगे नहीं। बाकी लास्ट मैच में ओकपल्लो को टाइम दिया गया था बैकअप सेंटर से, उनके पास यहाँ पर अदर यहाँ पर बैकअप सेंटर अवेलेबल है। सेवंस के साथ भी यहाँ पर ये जा सकते हो। अदर जो प्लेयर है स्ट्रूस का लास्ट मैच में बेस्ट आया था, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर विंसेट को इग्नोर कर रहे हैं। जीएल के लिए काफ़ी बढ़िया पिक, हेड टू हेड मैचेस में काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था स्ट्रूस और उसी के साथ साथ विंसेट। जो लास्ट हेड टू हेड मैच है खेला गया था इन दोनों टीम के बीच में, दोनों 31 मिनट खेले थे, लेकिन यहाँ पर विंसेट का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आया था। स्ट्रूस ने इनके सभी 3 पॉइंटर मिस किए थे, 7 इन्होंने 3 पॉइंटर ट्राई किए थे और 7 आउट ऑफ यहाँ पर एक ही इनका कनेक्ट हो पाया था, लेकिन लास्ट मैच काफ़ी बढ़िया इनका रहा। खास कर थर्ड हाफ में इन्होंने बैक टू बैक यहाँ पर 4 3 पॉइंटर शूट कनेक्ट किए थे। एरर इनके वन ऑफ द बेस्ट बैंच प्लेयर है, लेकिन लास्ट मैच इनके लिए कुछ खास रहा नहीं था, यही रीज़न था। स्ट्रूस ने काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिवली यहाँ पर फील्ड गोल से शॉट्स अटेम्प्ट किए, वैसे भी यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे टच में लग रहे थे। तो यहाँ पर हेरर इनके तरफ से वन ऑफ द बेस्ट बैंच प्लेयर, मे बी क्रेडिट के चलते बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करेंगे। जीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक, चाहो तो आप स्मॉल लीग में भी आप इनको कंसीडर कर सकते हो। फिलहाल जो एनबीए सीजन चल रहा है बैन से सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाला है रैंक 1 यहाँ पर हेरर का है, तो यहाँ पर उस लेवल का प्लेयर भी है जो आपको कभी भी बेस्ट पॉइंट देगा। वैसे यहाँ पर ये एज अ स्टार्टर भी खेल रहे थे सेकंड मैच में, लेकिन लास्ट मैच में मियामा थोड़े से अलग प्लान के साथ आई थी। इन्होंने अपने बैंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेरर को खिलवाया था एज अ यहाँ पर बैंच प्लेयर और मार्टिन के साथ यहाँ पर गए थे एज अ स्टार्टर, लेकिन मार्टिन ने एज अ स्टार्टर करते हुए बेस्ट दिया था, तो इसी लाइनअप के साथ यहाँ पर ये आएंगी। बाकी अगर यहाँ से बात करूंगा रिमेनिंग टीम, तो लोंजो बॉल इंपॉर्टेंट है, जेएस लेविन ऑफेंसिव 4 हैंडलर है, क्लाइड लाउरी ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वैजोनिक का रिसेंटली मैचेस में काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस आया है। मार्टिन का एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जो कि स्टार्ट करेंगे। पीजे टकर का भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लास्ट मैच में बेस्ट देकर आ रहे हैं। वैसे भी यहाँ पर इस टीम में यहाँ पर एडिबायो खेलने रहे, तो यहाँ पर पीजे टकर जो थे यहाँ पर ऑफेंसिवली रिबाउंड कलेक्टिंग का काम भी बढ़िया से कर लेते हैं। अदर जो प्लेयर है तो आपके पास स्टूस का ऑप्शन से यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास ब्राउन का ऑप्शन भी, जो कि यहाँ पर प्रॉबेबली अच्छा खासा टाइम यहाँ पर खेलते हुए देखेंगे। लेकिन स्टूस जो थे यहाँ पर 3 पॉइंटर शूटर है, अगर ये इनके कनेक्ट हो गए तो बहुत ज़्यादा पॉइंट आपको दे देंगे। करुसो अगर खेलते तो करुसो यहाँ पर एज अ स्टार्टर आपको करते हुए दिखेंगे। बाकी अगर यहाँ से करुसो नहीं खेलते तो दसुमान का आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, इनको यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर विंसेंट हेड टू हेड मैच का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है, तो यहाँ पर विंसेंट को थोड़ा सा प्रिफरेबल करूँगा, आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। अगर इफ़ और अनलेस आज का मैच अगर करुसो नहीं खेले तो मे बी यहाँ पर ये मेरी ड्रीम इलेवन टीम यहाँ पर हो सकती है। अगर यहाँ पर आज का मैच यहाँ पर करुसो खेलते तो नो डाउट यहाँ पर हेरर पर थोड़ा सा रिस्क लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पर करुसो स्टार्टिंग लाइनअप आएंगे और वैसे भी लास्ट मैच हेरर का कुछ खास रहा नहीं, तो
तो थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रिफरेंस आता है वो आता है यहाँ पर करुसो का, जो कि यहाँ पर पॉइंट गार्ड शूटिंग गार्ड से यहाँ पर एज अ स्टार्टर खेलेंगे, और रिसेंटली मैचेस में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इनका आया है। बाकी पीजे टकर का आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, जो लास्ट मैच में पॉइंट से प्लस यहाँ पर डबल डबल इनके अच्छे खासे कनेक्ट हो गए थे, और डिफेंसिवली ये प्लेयर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दे देता है। तो 8.5 क्रेडिट में मुझे लगता है एक ठीक ठाक पे आपको मिल रहे हैं। फिर भी यहाँ पर इस मैच में यहाँ पर वैसे भी एडिबायो खेल नहीं रहे, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो रोल रहेगा पीजे टकर का वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। बैकअप यहाँ पर फॉरवर्ड से अच्छे खासे रिबाउंड कलेक्टिंग हैंड भी इनके है। वैसे ये मेरे ड्रीम इलेवन टीम में एस पी बी भी चॉइस की अगर यहाँ से बात करूँ तो नो डाउट बेस्ट एस पी चॉइस का आपके पास ऑप्शन है जेस लेविंग का। बेस्ट वीपी के लिए काइल लाउरी का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली आप वेजेनिक के साथ भी यहाँ पर जा सकते हो। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इनका रिसेंटली मैचेस में आ रहा है, डिफेंसिवली प्लस यहाँ पर ऑफेंसिवली दोनों सेक्शन से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लाउरी के लिए भी लास्ट मैच बढ़िया रहा था, वैसे लाउरी के लिए तो वैसे रिसेंटली दोनों मैच भी यहाँ पर बेस्ट है। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी 26.3 रिबाउंड 9 असिस्ट इनकी तरफ से आए थे, फील्ड गोल से सबसे ज़्यादा शॉट्स इन्होंने अटैम्प्ट किए थे। जो लास्ट मैच रहा था यहाँ पर भी फील्ड गोल से सबसे ज़्यादा शॉट्स इन्होंने अटैम्प्ट किए थे। तो ये प्लेयर असिस्ट से यानी बॉल हैंडलिंग का काम संभालते, तो असिस्ट से भी अच्छे खासे पॉइंट देंगे। वजने का परफॉर्मेंस लास्ट मैच में काफ़ी बेटर रहा था, 23 इनके फील्ड गोल से शॉट्स यहाँ पर अटेम्प्टेड थे। जो सेकंड मैच रहा था तो सेकंड मैच में भी वजने का परफॉर्मेंस देख सकते हो, 20.10 रिबाउंड 2 असिस्ट 1 ब्लॉक और 1 स्टील, और यहाँ भी इन्होंने 24 यहाँ पर फील्ड गोल से शॉट्स अटेम्प्ट किए थे। और लास्ट जो मैच रहा था यहाँ पर भी 23 इन्होंने फील्ड गोल से शॉट्स अटेम्प्ट किए थे। तो एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है पीपी के लिए। अगर आपको सेफ जाना है तो लाउरी को यहाँ पर यूनिवर्सल जो पीपी है इनके साथ जा सकते हो, लेकिन वैज्ञानिक मुझे काफ़ी बढ़िया पीकी यहाँ से लग रहे हैं, तो यहाँ पर मैं वैज्ञानिक के साथ जाना चाहता हूँ। अगर आप चाहो तो लाउरी के साथ भी जा सकते हो। और वैसे भी यहाँ पर वैज्ञानिक के लिए अपोनेंट का जो यहाँ पर बैकअप जो सेंटर है तो वो बेंच प्लेयर सेंटर है, तो प्रोबेबली यहाँ पर थोड़े से चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पर वैज्ञानिक फील्ड गोल से शॉट्स भी ट्राई करेंगे और अच्छे खासे रिबाउंड भी कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर वैज्ञानिक काफ़ी बढ़िया पिक आपके पास अवेलेबल है। तो ये मेरे ड्रीम इलेवन टीम में ऑलमोस्ट फाइनल है। जो भी चेंजेस होंगे वो टेलीग्राम चैनल पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर करुसो का जो इंजरी अपडेट है वो फिलहाल कन्फर्म नहीं, तो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। होप गाइस वीडियो पसंद आए होंगे, उसके साथ साथ अपने लाइव का सब्सक्राइब भी किया होगा। तो मिलते हैं फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।